जय हिंद अल्फा स्क्वाड। तो कैसे हैं आप लोग, मैं मोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर एक्स स्टडी। अब पर तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे लिमिट कॉन्टिन्यूटी एंड डिफेंसिबिलिटी। आज हमारा लास्ट लेक्चर है लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफेंसिबिलिटी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिफेंसिबिलिटी और कुछ पी वाई क्यूज के बारे में। तो देखिए, इससे डिफेंसिबिलिटी से आपका कभी कभी ये क्वेश्चन आता है और कभी कभी नहीं भी आता है, ठीक है। तो मैक्सिमम चांस अगर आप मान लें तो अगर आप पिछले तीन पेपर देखें तो दो में आया है, एक में नहीं आया है, ऐसे ही चलता है, तीन दो का एक का रेशियो चलता है, ठीक है। दो में आएगा, एक में नहीं आएगा। तो देखिए क्या होती है डिफेंसिबिलिटी, डिफेंसिबिलिटी नाम सबने पढ़ा है तो उस पर भी नहीं चलना, केवल डिफेंसिबिलिटी बात कर रहे हैं। आप हमें चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन डिफेंसिबल है या नहीं है। तो देखिए उसके लिए जैसे आपने पढ़ा था लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, राइट हैंड लिमिट होती है, दोनों इक्वल करती हैं तो क्या होता है लिमिट एग्जिस्ट करती है। ऐसी है डिफेंसिबिलिटी भी होती है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे फिर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, दोनों इक्वल होंगे तो आपका डेरिवेटिव यानी डिफेंसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं और राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, तो मान लीजिए आपका कोई फंक्शन है वाई बराबर एफ एक्स, कुछ इस तरीके का एक फंक्शन है, ठीक है। आपको इसका चेक करना है आपको कि ये एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पर डेरिवेटिव डिफेंसिबल है या नहीं है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो हम निकालते हैं एल एच डी, ये हो जाएगा हमारा, इसे हम पढ़ते हैं एफ डे से, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो आपका होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस का एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच, ठीक है। और जब आर एच डी की बात करें लेफ्ट हैंड डेरीवेटिव राइट हैंड डेरीवेटिव की, तो वो हमारा होता है एफ डैश इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। अब आपको दोनों पार्ट चेक करने पड़ते हैं, एक बार आप राइट हैंड चेक करेंगे, एक बार आप लेफ्ट हैंड चेक करेंगे डेरीवेटिव, एक बार इस फॉर्मूले फिट करेंगे, एक बार इस फॉर्मूले फिट करेंगे, उसके एफ ऑफ डैश की वैल्यू निकालेंगे। दोनों वैल्यू अगर इक्वल आती हैं यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपका इक्वल आता है, तो आप वहाँ पर देखते हैं फंक्शन क्या होता है डिफेंसिबल होता है, ठीक है। ये तो आपका बोर्ड वाला तरीका, ठीक है। यहाँ पेपर में ऐसा नहीं आएगा, आप तो कुछ फंक्शन आप देख के बता देंगे कि डिफेंसिबल है या नहीं है, और कुछ काम को करना है कुछ इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा आपको। क्वेश्चन का एक टाइम मैं दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए क्या है, क्वेश्चन दे रखा है हमको एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू एक्स एक्स प्लस टू एक्स ग्रेटर देन वन, दूसरा है x इक्वल टू वन पर ये है जीरो, और x माइनस टू है इस पर आपको दे रखा है x लेस देन वन पर। आपसे पूछा है, आपको चार ऑप्शन दिए हैं, क्या फंक्शन जो आपका पहला x इक्वल टू वन पर डिफ्रेंशिएबल है, या नंबर दो पर x इक्वल टू वन पर नॉट डिफ्रेंशिएबल है, और तीसरा ऑप्शन है आपके पास x इक्वल टू वन पर कॉन्टीन्यूअस, ठीक है। अगला लास्ट ऑप्शन आप वो सब जानते हैं, नोटा नन ऑफ द एबव, ये तीन ऑप्शन आपके पास, ठीक है। तो देखो जब भी आप डिफ्रेंसिबल पर पहुंचेंगे, डिफ्रेंसिबल डिफ्रेंसिबिलिटी चेक करने का वो आपको फॉलो तीन स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। पहले आपको लिमिट देखनी पड़ेगी, लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। जब लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है फिर आप चलते हैं कॉन्टीन्यूटी पर, फिर कॉन्टीन्यूटी चेक करते हैं फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है। अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होता है तभी हम डिफ्रेंसिबिलिटी चेक करते हैं। मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, अब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी तो कॉन्टीन्यूस नहीं होगा, कॉन्टीन्यूस नहीं हो तो डिफेंसिबल नहीं होगा। तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, आपको एक ध्यान रखनी पड़ेगी, एक एक चीज़ है। अगर फंक्शन डिफेंसिबल है, कोई भी फंक्शन अगर डिफेंसिबल है तो वो कॉन्टीन्यूस रहा होगा और उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करती होगी, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन इसका उल्टा सत्य नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर फंक्शन का क्या है आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती, जरूरी नहीं वो कॉन्टीन्यूस, हमने पीछे पढ़ा होगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे फंक्शन आपका कॉन्टीन्यूस होगा, कॉन्टीन्यूस है तो जरूरी नहीं उसका क्या होगा, हमने एक फंक्शन देखा होगा वहाँ पर जिसका आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती साइन एक्स अपॉन एक्स, देखा था आपने वहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी लेकिन कॉन्टीन्यूस नहीं था। अब आपको एक फंक्शन में और बताऊंगा जिसको फंक्शन तो कॉन्टीन्यूस है लेकिन उसका डिफरेंशिएबल एग्जिस्ट नहीं करता, वो डिफरेंशिएबल नहीं, तो ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिएगा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। जैसे हमने साइन एक्स पढ़ा है, आप साइन एक्स सबका डिफरेंशिएशन जानते हैं, साइन एक्स का क्या होता है, तो इसके फंक्शन की आप किसी भी पॉइंट पर चेक करेंगे लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, फंक्शन कॉन्टीन्यूस भी होता है। ग्राफ आप लोगों ने देख रखा है कुछ इस तरीके से बनता है, नहीं तो देख क्या होता है कॉन्टीन्यूस ग्राफ होता है, तो वही कंडीशन यहाँ पर, तो ये प्रॉपर्टी आती है डायरेक्ट आपको ध्यान रखना। कभी कोई पूछ लेता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो क्या कॉन्टीन्यूस होगा, लिमिट उसकी एग्जिस्ट करेगी, इस तरीके से आपको चार ऑप्शन देने होंगे, आपको एक ऑप्शन उसमें जो करेक्ट होगा उसे टिक करना होगा। तो यहाँ पर पहले आप क्या चेक करेंगे, यहाँ पर आपको पहले लिमिट चेक करनी है, ठीक है, कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही नहीं कर रही है, फंक्शन कॉन्टीन्यूस है या नहीं है। तो देखिए लिमिट चेक करते हैं पहले, तो अब देखो लिमिट क्या है यहाँ पर, ये एक्स ग्रेटर देन वन यानी कौन सा देगा, ये आपको आर एच एल देगा राइट हैंड लिमिट, और ये नीचे लेके देगा आपको लेफ्ट हैंड लिमिट देगा। तो आपको मैंने लिमिट लगाने का तरीका डायरेक्ट बताया, वहाँ पर आपको वो ट्वेल्थ वाला तरीका नहीं लगाना है, एक्स ग्रेटर देन वन दे रखा है और डागर को पुट करो, एल एच एल मिल जाएगी आपको, कितनी आ रही है एक्स का वन पुट करना है प्लस टू इक्वल टू कितनी हो गई थ्री। यहाँ पर देखो आर एच एल निकालनी है आपको, आर एच एल नीचे वाला देगा आपको कितना हो जाएगा
वन माइनस टू इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का मतलब देखो लिमिट इक्वल नहीं आ रही, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो कॉन्टिन्यूस तो कभी नहीं होगा, ऑप्शन खत्म हो गया थर्ड वाला, कॉन्टिन्यूस तो ही नहीं। अब जब कॉन्टिन्यूस नहीं तो डिफ्रेंशिएबल भी नहीं होगा, ये भी खत्म हो गया। तो बचा क्या, एक्स इक्वल टू वन पर क्या है, नॉट डिफ्रेंशिएबल है, ये तो मिलेगा। जब डिफ्रेंशिएबल है नहीं तो नॉट डिफरेंस वाला, ये ऑप्शन सही है आपके पास, नॉट हो नहीं सकता क्योंकि ऑप्शन आपको मिल गया कि नॉट डिफरेंशिएबल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसे रफ करते हैं और कुछ और क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाता हूँ मैं से। तो बच्चों आपके सामने क्वेश्चन है, कह रहा है एट एक्स इक्वल टू वन फंक्शन एफ एक्स दे रखा है आपको एक्स क्यूब माइनस वन, और ये आपको कंडीशन दे रखी है, अगला है एक्स माइनस वन, ये कंडीशन आपको दे रखी है। तो एक्स इक्वल टू वन पर आपको बताना है फंक्शन में ये चार ऑप्शन देखेंगे, कॉन्टिन्यूस है या डिफरेंशिएबल है, कॉन्टिन्यूस एंड नॉन डिफरेंशिएबल, डिसकॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, और डिसकॉन्टिन्यूस एंड नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो देखो कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन आप ध्यान में सुन लीजिए, आपको मैंने बताया था अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस रहा होगा, उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करती होगी हर हाल में। ठीक है, तो वो बात तो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो देखिए ये क्या कह रहा है, डिसकॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, तो ये वाला तो ऑप्शन आपको देख के ही काट देना है, क्योंकि डिसकॉन्टिन्यूअस होगा तो डिफरेंशिएबल तो हो ही नहीं सकता, अगर फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस होगा तो डिफरेंशिएबल तो हो ही नहीं सकता किसी भी हाल में। ठीक है, अब अगर आपको जैसे आप लोग जानते हैं कि किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो आप जरूरी नहीं कि वो कॉन्टिन्यूस हो या उसके डिफरेंशिएबल भी हो, या कॉन्टिन्यूस है तो जरूरी नहीं कि डिफरेंशिएबल भी हो, तो इस वाले ऑप्शन को आपको चेक करना पड़ेगा। कह रहा है डिसकॉन्टिन्यूस एंड नॉट डिफरेंशिएबल, तो डिसकॉन्टिन्यूस है नॉट डिफरेंशिएबल, अभी आपको क्या हो सकता है, अगर डिसकॉन्टिन्यूस नॉट डिफरेंशिएबल तो होगा, पहले आपको क्वांटिटी चेक करनी पड़ेगी फंक्शन कॉन्टिन्यूस है नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है कि डिसकॉन्टिन्यूस है, तो जित वाला तो डिफरेंशिएबिलिटी तो आपको चेक ही नहीं करनी है, वो तो नॉट डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। ठीक है, ये बचा कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, तो मैंने आपको बताया इस तरीके से, आपने एक ऑप्शन काट दिया, बचे तीन ऑप्शन आपको इसे कर सकते हैं। पहले लिमिट एग्जिस्ट लिमिट चेक करेंगे, तो लिमिट कैसे चेक करेंगे, आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट, तो देखिए एक्स लेस देन वन पर क्या मिलेगी आपको, लेफ्ट हैंड मिलेगी, तो निकाल लेता हूँ एफ ऑफ ए प्लस में निकाल लेता हूँ, ये ऊपर से आपको राइट हैंड मिलेगी, तो पहले मैं राइट हैंड निकाल लेता हूँ, आपको क्या करना है वन पर चेक करनी है, डायरेक्ट वन उठाओ पुट कर दो इसमें, तो वन का क्यूब माइनस वन इक्वल टू कितना आ गया, जीरो आ गया। अगला एफ ऑफ ए माइनस, तो देखिए लेस देन पर आपको क्या मिलेगा, एल एच एल मिलती है, उठाओ बन रख दो उठा के डायरेक्ट इसमें, वन माइनस वन ये भी जीरो मिल गया। अब बचा एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए इक्वल टू इसके और एक्स इक्वल टू वन पर कितना दे रहा है, ये तो कंडीशन है, तो इसमें भी बन रख दो उठा के फिर से, जिस पर इक्वल वाली कंडीशन होती है वही आपको एफ ऑफ ए भी देता है। तो देखो तीनों चीज़ें बराबर हो गई, लिमिट भी एग्जिस्ट कर गई और एफ ऑफ ए के भी इक्वल हो गई, इसका मतलब फंक्शन तो कंटिन्यूस है, तो आपके पास ऊपर के ए और बी में से कोई ऑप्शन एक करेक्ट होगा। उसके बाद आती है डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करनी है, अब वो उतना बड़ा तरीका तो हम लगाएंगे नहीं, आपको क्या करना है, आप सीधा सा डायरेक्ट तरीका जो मैं आपको बताता हूँ वो ये है, आपको क्या करना है इस फंक्शन का किस पर आपको क्या निकालना है, पहले राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड, तो राइट हैंड वाला आपको ये देगा एक्स ग्रेटर देन पर, तो राइट हैंड निकालेंगे जब आप इसका, आपको क्या करना है डायरेक्ट इसका क्या करना है डिफरेंशिएशन, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है थ्री एक्स स्क्वायर और माइनस वन का जीरो हो जाएगा। अब आपको जो लिमिट दे रखी है इसमें कितना दे रखा है वन, वो लिमिट उठा के इसमें पुट कर देनी है, तो थ्री इंटू वन का स्क्वायर कितना हो गया वन, वन यानी कि वन तो स्क्वायर हुआ उसका, वन की मल्टीप्लाई थ्री से तो थ्री हो गया, वही सेम कंडीशन इसके साथ, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको डायरेक्ट वन मिल जाएगा। अब देखो ये मिला आपका आर एच एल, आपको कितना मिला तीन, और एल एच आर कितना मिला आपको वन, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव तीन मिला, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वन मिला, इक्वल है, इक्वल होंगे तभी तो फंक्शन क्या होगा आपका डिफरेंशिएबल होगा, तो इक्वल तो है नहीं, तो फंक्शन कैसा आपका नॉट डिफरेंशिएबल, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। मेन जो बात मुझे समझानी थी कि आपके पास अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करें, पहले लिमिट चेक कर लें उसके बाद डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करें, उसमें वैल्यू उठा के पुट कर दें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में, ऐसी राइट हैंड के साथ करें उठा के डिफरेंशिएशन करें, पर लिमिट पुट कर दें, अगर दोनों बराबर आती हैं तो आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और बराबर नहीं आती तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, ये डायरेक्ट तरीका होता है करने का, वो उतना बड़ा वाला है, उतने जो फॉर्मूला हमने लिखे थे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव उन्हें करने से अच्छा, ठीक है, तो मेथड आपके समझ में आ गया। अब मैं एक फंक्शन की बात कर लेता हूँ, छोटा सा फंक्शन है मॉड एक्स का नाम, जो आप सबने सुना होगा। ठीक है, इस फंक्शन की बात कर लेते हैं मॉड एक्स की। ठीक है, तो इसको ज़रा ध्यान देना, ये क्या था कि जब ये प्लस का एक्स देता है किस पर देता है, एक्स ग्रेटर देन जीरो पर, और माइनस का एक्स देता है हमको एक्स लेस देन जीरो पर, यही तो होता है इसका, फंक्शन को जब एक्सपोज करके लिखते हैं ऐसे तो होता है। अब आपने चेक करा था कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है, आपने देख रखा था कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू पर आप जीरो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके साथ में, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इस तरीके से भी खोल देते हैं। ठीक है, तो आपने पिछले भी लेक्चर में आप चेक कर चुके थे कि वीडियो के ये फंक्शन क्या होता है, एक्स इक्वल टू जीरो पर कॉन्टिन्यूस होता है, क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है एक्स इक्वल टू जीरो पर, तो मैंने आपको क्या तरीका बताया कि डिफरेंशिएशन करो, लिमिट उठा कर रख दो, इसका बन एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे आप तो कितना आएगा, आपको मिलेगा राइट हैंड आर एच डेरिवेटिव, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव कितना मिलेगा, एक्स का डिफरेंशिएशन बन होगा, लिमिट रखने की जरूरत ही नहीं, केवल बन मिल जाएगा, इसी आप इसका निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपको कितना मिल जाएगा, माइनस का बन, क्या दोनों बराबर है, प्लस का माइनस का बन बराबर नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन आपका एक्स इक्वल टू यानी एक्स टेंस टू जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है, और जैसे वन टू पर चेक करेंगे तो वहाँ तो डिफरेंशिएबल हो सकता है लेकिन इस पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होता। अब आप लोग कहेंगे कि भाई हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन होता है,
मॉड एक्स अपॉन एक्स, तो वही तो मैं बता रहा हूँ, जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं होता और आगे कहीं पर भी डिफरेंशिएबल हो सकता है किसी और पॉइंट पर, बन जीरो पर डिफरेंशिएबल ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात भी आपकी समझ में आ गई होगी, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार, एक से दो बार मैंने देखा है कि मॉड एक्स को पूछ लेता है कि जीरो पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मॉड एक्स जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं होता, ठीक है। तो इसे मैं रफ करता हूँ, कुछ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराता हूँ, डिफरेंशिएबिलिटी हमारी खत्म हो चुकी है, अब जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको करने हैं, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन है पी वाई क्यू स्टार्ट हो चुके हैं हमारे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, आपको लिमिट फाइंड करनी है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स डिग्री अपॉन टेन थ्री एक्स डिग्री। ऑप्शन है आपके पास, आप लोग ऑप्शन कमेंट में कर सकते हैं, जब तक मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ तब तक आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं स्पीड के साथ। इस क्वेश्चन को करने के लिए पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं है आपका, सी ऑप्शन है वन अपॉन टू और डी ऑप्शन है वन। जल्दी से कमेंट में ऑप्शन का दीजिए। तो देखो साइन एक्स डिग्री, तो मैंने आपको जब बढ़ाई थी लिमिट स्टार्ट किया तो मैंने बताया था कभी भी जो एंगल होता है हमेशा रेडियन में होना चाहिए, तो भाई इस एंगल को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ऊपर कितना हो जाएगा साइन एक्स यानी पाई एक्स अपॉन 180, नीचे कितना हो जाएगा टेन थ्री एक्स इंटू पाई अपॉन 180, ठीक है। यहाँ तक समझ गए आप, अब आपको यहाँ पर है आपके पास है पाई एक्स अपॉन 180, यहाँ पर है थ्री एक्स पाई अपॉन 180, ठीक है। तो मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसमें मल्टीप्लाई कराई पाई एक्स अपॉन 180 से, ठीक है, और मैंने इधर भी मल्टीप्लाई कराई इसमें, यहाँ पर क्या है थ्री पाई एक्स डिवाइड कराया, इधर कराई मल्टीप्लाई ऊपर थ्री एक्स पाई अपॉन 180, ठीक है। तो जिसे जिसे कराया उसे उल्टा करने के लिए आपको कैंसिल भी करना पड़ेगा, तो इसको नीचे वाले को फिर से ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड एंड पाई एक्स अपॉन 180, यहाँ पर हो जाएगा थ्री एक्स पाई अपॉन 180, ठीक है। अब देखो बना क्या हमारे पास, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, अब यहाँ पर देखिए इस वाले पोर्शन को आप इसके बटे में लिखेंगे साइन पाई एक्स अपॉन 180, पाई एक्स ये चल रहा था 180, पाई एक्स अपॉन 180 इंटू टेन, इसको इसके अपॉन में 3x पाई अपॉन 180 अपॉन टेन 3x पाई अपॉन 180, और इसमें देखो क्या कैंसिल हो रहा है, 180 से 180 कैंसिल, x से x कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, क्या बचा 3 जंप करके चला जाएगा अपॉन में ही रहेगा, तो 1 अपॉन 3, ठीक है। अब देखो साइन आपने पढ़ा था लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स कितना होता था 1, देखो वही कंडीशन एक्स ये पूरा हो गया, ये पूरा एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स 1, तो इसकी वैल्यू 1, सेम कंडीशन टेन एक्स अपॉन एक्स 1, यहाँ पर कितना बचा केवल 1/3, यानी इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू भी 1 और लास्ट में बचा आपका 1/3, तो कितना होने वाला है 1/3, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। एक क्वेश्चन और देखिए साइड में, क्वेश्चन है आपके पास लिमिट x टेंस टू जीरो थ्री की पावर x प्लस थ्री की पावर माइनस x माइनस का 2 अपॉन x, ये क्वेश्चन आए हुए आपके लगभग 2019 के सेकंड का है ये। चलो करते हैं इसको, ऑप्शन है आपके पास पहला 0, बी ऑप्शन है आपके पास माइनस का 1, सी ऑप्शन है 1 और डी ऑप्शन है नोटा है आपके पास, ठीक है। चलो बच्चों करते हैं इसे, अब पहले हमको फॉर्म चेक करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन की, तो रख दो उठा के 0, किसी की पावर 0 का मान 3 की पावर 0 कितना होगा 1, 3 की पावर माइनस 0 वो भी 1 होगा और माइनस 2, यानी आपको मिलेगा 1 प्लस 1 माइनस 2 अपॉन 0, यानी कि 0 अपॉन 0, तो भाई 0 अपॉन 0 फॉर्म बन गई। जब 0 अपॉन 0 फॉर्म बनती है कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, हम लोगों को पता है, हो जाओ शुरू लगा दो लिमिट एक्स टेंस टू 0 एल हॉस्पिटल क्या होता है कि ऊपर वाले का ऊपर डिफरेंशिएशन नीचे वाले का नीचे डिफरेंशिएशन, तो करो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए की पावर एक्स लॉग ए, यानी लॉग ए यहाँ पर कितना है 3 और बेस वही रहेगा ई, अब थ्री ए की पावर माइनस एक्स का तो माइनस बाहर आ जाएगा, 3 की पावर माइनस एक्स इंटू लॉग 3 बेस ई माइनस का 2 अपॉन एक्स का कितना होने वाला 1, लिमिट पुट कर दो उठाकर ऊपर, 3 की पावर 0 लॉग 3 बेस ई माइनस 3 की पावर माइनस 0 लॉग इसका तो 0 हो जाएगा माइनस 2 का 0, 2 का 0 लॉग 3 माइनस ई, तो किसी की पावर 0 बनाता है तो लॉग 3 बेस ई माइनस लॉग 3 बेस ई,
लॉग थ्री बेसिस कैंसिल, बचा जीरो, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। तो इसे रफ करते हैं, कुछ और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों आपके सामने कुछ पी वाई क्यूज लिखे हुए हैं, आइए करना शुरू करते हैं। तो देखिए कोई कुछ 14-15 के हैं, कुछ 19 के हैं, कुछ 20 हैं, 21 के हैं, सब तरीके में मिक्स करके निकाल दिए आपको। देखो तो आपके पास क्वेश्चन है, कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू स्टेटमेंट है, उसके बाद आपके दो क्वेश्चन सॉल्व करना है। स्टेटमेंट आपको स्टेटमेंट दिया है और उसमें कह रहा है वेयर ए वी आर कॉन्स्टेंट एंड एफ एक्स इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। तो एफ एक्स जो आपको ऑलवेज कॉन्टिन्यूस है, आपको चेक नहीं करना है क्वांटिटी, आपको दे रखा है कि एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, स्टेटमेंट आपके पास ये है, पहला स्टेटमेंट है कि एक्स इफ अगर एक्स लेस देन जीरो इक्वल टू वन है तो आपको माइनस वन देता है जीरो पर, और जीरो एक्स जीरो से वन के बीच में तो एक्स प्लस बी देता है आपको कंडीशन, और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन पर वन वैल्यू देता है। तो पहली कंडीशन आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। देखिए बच्चों सभी पॉइंट पर एक पॉइंट क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो देखो पहला पॉइंट हमारे यहाँ पर क्या मिल रहा है, एक तो देखो जीरो मिलता है इस वाले में, इसमें भी, और इसमें एक मिलता है वन, ठीक है। तो हम पहले निकालेंगे एफ ऑफ जीरो की बात करते हैं तो कितना मिलेगा, तो देखो एफ ऑफ जीरो इस वाले फंक्शन पे तो मिलेगा, आपको एफ ऑफ जीरो कितना मिलना माइनस का वन, ठीक है। और आप जानते हैं कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, एफ ऑफ जीरो इक्वल टू होता है एफ ऑफ जीरो प्लस, यानी आर एच एल इक्वल टू होता है एफ ऑफ जीरो माइनस। तो इनमें से किसी एक वैल्यू और फाइंड कर ले, जहाँ पर मैं एफ ऑफ जीरो तो पता चल गया। अब देखिए एफ ऑफ जीरो माइनस आपको कहाँ देगा, इसी कंडीशन में देगा कि एक्स और लेस देन इक्वल टू जीरो हो रहा है, तो अगर आपको एफ ऑफ जीरो माइनस बन जाएगा उससे तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है। अगली कंडीशन में देखते हैं, अगली कंडीशन में क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा हमें एफ ऑफ ए प्लस, ठीक है। तो एफ ऑफ ए प्लस हमें यहाँ मिलेगा, जीरो को उठाकर आपको डायरेक्ट यहाँ पुट कर देना, इस वाले क्वेश्चन में पुट कर देना उठा लीजिए, तो आप पुट करेंगे इसमें तो देखिए आपको क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जीरो प्लस जब आपको मिल रहा है इस वाले फंक्शन से मिलेगा। मैं लोगों आपको बता रखा है कि आपको यहाँ पर चेक नहीं करना, कंटिन्यू दे रखी है, पोर्ट कर देना वाला मेथड नहीं लगाना आपको, पुराने मैथड मैंने आपको तरीका बताया करने का। और आपको जीरो पर चेक करें, जीरो उठाकर पोर्ट कर दे इसमें डायरेक्ट, तो ए इंटू जीरो प्लस बी, ये तो मैंने आपको यानी आपको मिल गया बी। अब आप जानते हैं एफ ऑफ जीरो प्लस किसके बराबर है, आपस में बराबर है यानी, और एफ ऑफ जीरो कितना आपके पास, अगर यहाँ से देखेंगे तो एफ ऑफ जीरो इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस, और ये एफ ऑफ जीरो किसके बराबर है, तो वो कितना है माइनस का वन, और एफ ऑफ जीरो प्लस कितना है आपका प्लस का बी, यानी बी इक्वल टू आ गया आपका माइनस का वन, यानी सेकंड वाले का ऑप्शन आपको मिल गया, ये ऑप्शन करेक्ट है इसका, माइनस वन आ गया। नेक्स्ट पर चलते हैं, अब आप देखना इस पर वन पर बात करते हैं, वन पर देखो एफ ऑफ वन आपको कितना मिलेगा, एफ ऑफ वन, तो एफ ऑफ वन इक्वल टू इस पर एक्स इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन पर कितना मिलता है आपको, वन इक्वल टू वाला जो साइन होता है वही आपको एफ ऑफ ए देता है, ठीक है। तो एफ ऑफ वन निकाला आपको कितना मिलेगा वन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक्स क्या लेस देन वन से, वन वाली बात चल रही तो वन पर ही देखेंगे, तो देखो ग्रेटर देन की जरूरत नहीं, लेस देन यानी एफ ऑफ वन माइनस, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है इसका मतलब एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ इक्वल टू वन प्लस, यानी वो सीधी बात है एफ ऑफ ए इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एल एच एल, ठीक है। ये कंडीशन होती है आपको जानते हैं, अब रख दो इसमें उठाकर, इसमें आपको क्या करना है, सीधे जहाँ जाए एक्सम आपको उठा कर देना, वन पुट कर देना, जहाँ भी एक्स देखिए वहाँ पर आपको वन पुट कर देना, तो ए इंटू वन प्लस बी, तो यहाँ पर मिला आपको ए प्लस बी, ठीक है। और एफ ओ वन अब आप जानते हैं एफ ओ वन इक्वल टू एफ ओ वन माइनस, ठीक है। तो लगा दो भाई एफ ओ वन कितना आपके पास, वन इक्वल टू ए प्लस बी, और बी की वैल्यू भी आपने निकाली कितनी है, माइनस का वन, पुट कर दो उठा के वन प्लस ए माइनस वन, तो माइनस का वन इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो ए इक्वल टू हो गया टू, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। तो ये तो इतना आपके समझ में आ गया, सिंपल ज़्यादा, ठीक है। अब मैं सर रफ करता हूँ, बच्चे को क्वेश्चन पर कराता हूँ आपको, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने आपको डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाई है, तो मैं आपको डिफरेंशिएबिलिटी का भी क्वेश्चन करा देता हूँ, जो आया है प्रीवियस ईयर में। डिफरेंशिएबिलिटी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि डिफरेंशिएशन का डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत आता है। अगर इस वाले एनडीए को छोड़ दिया जाए तो इस वैसे डिफेंसिबिलिटी का इतना ज्यादा क्वेश्चन तो भी आता नहीं, इस बार बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे थे, दो क्वेश्चन था डिफेंसिबिलिटी के। तो ये क्वेश्चन आपके पास, आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, पहला ये है फर्स्ट एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉइंट टू इफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, और दूसरा है जीरो इफ एक्स इक्वल टू जीरो। सेकंड आपके पास एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस फाइव इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव इफ एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो। देखो इसका स्टेटमेंट जो है वो लिखना रहेगा थोड़ा, तो आपको इस पर आपको इसकी जो है डिफेंसिबिलिटी डिस्कस करनी है एट एक्स इक्वल टू जीरो पर, इस पर डिस्कस करनी है एट एक्स इक्वल टू जीरो पर आपको इसकी डिफेंसिबिलिटी डिस्कस करनी है, ठीक है। चलो करते हैं, अब मैंने आपको कंडीशन डाला कि डिफेंसिबिलिटी की बात आई तो पहले कंटिन्यूटी भी चेक करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर देखिए इफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, यानी आपको ये वाला जो फंक्शन है वो एल एच एल आर एच एल दोनों देगा, और एल एच एल की वैल्यू माइनस वन है, और आर एच एल की वैल्यू कितनी है, सॉरी वन पॉइंट टू है, और एल एच एल की वैल्यू वन पॉइंट टू, आर एच एल की वैल्यू वन पॉइंट टू, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट भी वन पॉइंट टू, राइट हैंड लिमिट भी वन पॉइंट टू है, और एफ ऑफ यहाँ पर कितना है जीरो। तो आपने यहाँ से देखा एफ ऑफ जीरो प्लस
इक्वल टू एफ ऑफ जीरो माइनस, ठीक है, लिमिट तो आपकी एडजस्ट कर गई, क्या ये एफ ऑफ एक इक्वल टू है, एफ ऑफ जीरो के इक्वल है, एफ ऑफ जीरो तो आपका जीरो आ रहा है, एक्स इक्वल टू जीरो पर एफ ऑफ कितना दे रहा है आपको, फंक्शन कितना मिल रहा है जीरो, लेकिन यहाँ कितना आ रहा है, ये वाला पार्ट आपको मिल रहा है वन अपॉइंट टू, और ये मिल रहा है आपको जीरो, तो इक्वल तो हो नहीं सकता किसी भी कंडीशन में, तो क्या हुआ, लिमिट तो एडजस्ट कर गई, लेकिन जब लिमिट एडजस्ट कर जाती है फंक्शन एफ ऑफ एक इक्वल नहीं आती, लिमिट तो आपको तीसरी कंडीशन क्या बनती है, फंक्शन कैसा होता है, डिस्कंटीन्यूअस, और जब फंक्शन डिस्कंटीन्यूअस होता है तो डिफरेंशिएबल किसी भी हाल में होने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है सारी चीज करते चलनी क्रम से चलनी, पहले लिमिट एडजस्ट करेंगी, तो लिमिट एडजस्ट करते हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं, फंक्शन कंटिन्यूटी होता है तो हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, और फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं तो डिफरेंशिएबल कैसे होगा, ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो देखो ये वाला तो आपको डिस्कंटीन्यूअस, और डिस्कंटीन्यूअस होगा इसका मतलब नॉन डिफरेंशिएबल या नॉट डिफरेंशिएबल हो गया है आपका, अगले पर चलते हैं, देखो x ग्रेटर देन 0 पर लिमिट कितनी मिलेगी इसकी, x की जगह 0 रख दो, यानी कि आपको इसका सेकंड फंक्शन की बात कर रहे हैं आपको, x ग्रेटर देन 0 पर यानी कि आर एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी मिल रही आपको, देखो जरा वहां पे 5 मिलेगी, 2x यानी 2 * 0 + 5, ठीक है, अगला आर एच एल आपको यहां से तो मिलेगा x लेस देन 0 पर, ठीक है, तो यहाँ पर भी रखेंगे x स्क्वायर जीरो, 2x जीरो केवल कितना बच सकता है, और f ऑफ a की बात करोगे यानी कि f ऑफ जीरो तो कितना मिलेगा आपको, किसमें इक्वल टू आ रहा है, इस वाली कंडीशन आ रहा है ना, तो ये वाला पार्ट आपको f ऑफ a देगा, तो फिर से जीरो रखोगे फिर से 5 मिल जाएगा, यानी तीनों चीजें इक्वल होंगी, यानी चल आ रहे चलो f ऑफ जीरो यानी f ऑफ a आपका तीनों इक्वल आ गए, समझा, लिमिट आपकी जगह फंक्शन क्या कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस तो एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, अब बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी को, तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का तरीका क्या बता रहा हूं आपको, डायरेक्ट डिफरेंशिएबल करो, वैल्यू उठा के पुट कर दो, उसके जब आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, टू, यहाँ पर जब डिफरेंशिएशन करेंगे आपको तो कितना मिलेगा यहाँ से, तो यहाँ पर अगर मुझे लगता है कैमरे में नहीं आ रहा होगा, मैं इस तरफ लिख देता हूँ, 2x + 5 का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना मिलेगा, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना, देखो अगला है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x स्क्वायर का 2x, 2x का 2 और 5 का कितना हो जाएगा, जीरो, आपको जीरो जो वैल्यू दर की वैल्यू उठा के पुट करनी होती है, यहाँ तो कुछ करेंगे नहीं, यहाँ तो नंबर मिल गया डायरेक्ट, तो यहाँ पुट करेंगे तो वाली वैल्यू जीरो, तो कितना बचेगा, केवल टू बचेगा, अब देखो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल आ रहा है, जब दोनों इक्वल आ जाए तो फंक्शन कैसा होता है आपका, डिफरेंशिएबल होता है, तो देखो भाई कौन सा ऑप्शन है, ओनली टू वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, जो फंक्शन आपका सेकंड वाला है वही केवल डिफरेंशिएबल है, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू जीरो पर, यहाँ पर यार डिस्कंटिन्यूअस है, डिस्कंटिन्यूअस हो गया तो आगे तो बात ही खत्म हो जाती है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, बाकी सारे लिमिट के क्वेश्चन है कुछ प्रीवियस ईयर के, तो ये भी सॉल्व करते हैं, ठीक है, देखो कह रहा है लिमिट x टेंस टू जीरो साइन x log 1 माइनस x अपॉन x स्क्वायर, देखो आपको इतना सवाल लिखना ही है, आपको क्या करना था, आपको जानते साइन एक्स अपॉन से दो पार्ट में तोड़ते, साइन एक्स अपॉन एक्स बच्चे पूरे के बटे में एक्स इस तरीके से, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू लॉग वन माइनस एक्स अपॉन एक्स इस तरीके से तोड़ते, इसकी वैल्यू आपको जानते कितनी होती है, वन होती है, तो छूट जाएगा आपके पास, बचेगा केवल लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, आप उस तरह से अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं, इसके साथ लिमिट अलग, इसके साथ लिमिट अलग, बिटवीन मल्टीप्लाई बता रखा है, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, अब इसे देखिए लॉग वन माइनस एक्स अपॉन एक्स, अब ऐसे तो पता नहीं क्या करना है, या तो उसका एक्सटेंशन बोलो लंबा हो जाएगा, एक्सटेंशन याद रखना भी कठिन होता है, अब फॉर्म चेक कर लो, एक्स जब जीरो पुट करोगे तो कौन कितना बनेगा, लॉग वन, लॉग वन की वैल्यू कितनी होती है, वन अपॉन भी एक्स जीरो, लॉग वन की वैल्यू थी सॉरी जीरो, ऊपर से भी जीरो नीचे से भी जीरो, जीरो अपॉन जीरो, कौन सा रूल लगता है यहाँ पर, एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, ऊपर वाले का ऊपर डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का नीचे डिफरेंशिएशन, कर दो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लॉग वन माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का वन अपॉन वन माइनस एक्स, यही तो होगा, लॉग एक्स का क्या होता है वन अपॉन एक्स, लेकिन आपके साथ में माइनस एक्स है तो इसका फिर से करोगे तो ऊपर आ जाएगा माइनस का वन, और एक्स का कितना जाएगा वन, ठीक है, उठाओ जीरो लिमिट पुट कर दो, तो माइनस का वन अपॉन वन माइनस जीरो, तो वो तो वन तो उससे कोई दिक्कत ही नहीं है, तो माइनस का वन अपॉन वन यानी इक्वल टू कितना बचा केवल माइनस का वन, देखो वही ऑप्शन है माइनस का वन, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास लिमिट x टेंस टू जीरो x स्क्वायर x क्यूब प्लस x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये फाइंड करनी है आपको, ठीक है, अब जरा आप लोग भी अपना फटाफट क्वेश्चन करते रहें कॉपी पर, ठीक है, जिन लोगों को आते हैं वो लोग अपने करते ना, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपके यहाँ सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, चलो फिर से हम इसके फैक्टर करते हैं, लिमिट x टेंस टू जीरो यहाँ पर देखिए कॉमन ऊपर x स्क्वायर कॉमन अंदर कितना बचा x प्लस वन,
इधर देखिए क्या बचेगा, इसके फैक्टर करोगे आप तो कितना आ जाएगा, एक्स प्लस टू और एक्स प्लस वन, ठीक है, एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कैंसिल हो जाएगा आराम से। तो आगे चलते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस टू, मतलब वो क्या फॉर्म बनेगी, ऊपर जीरो अपॉन टू, ये तो कोई फॉर्म ही नहीं होती है, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है, लिमिट पुट कर देंगे डायरेक्ट यहाँ पर, तो जीरो का स्क्वायर अपॉन जीरो प्लस टू कितना होता है, जीरो अपॉन टू कितना हो जाएगा जीरो। तो देखो ऐसा वही ऑप्शन है आपके पास, एक्स टेंस टू ये बन दो बार लेते हैं यहाँ पर, बन जाएगा जीरो होगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। आप अगर एम हॉस्पिटल रूरल में जाते तभी आपको सेम कंडीशन मिलने वाली थी, अगर फिर तो फ्लाइट में लगता ही। अब देखो क्या करना, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, इसकी वैल्यू तो आपको जीरो मिल गई। अब देखो एक बात आपको ध्यान रखनी थी, अगर यहाँ पर दे देता लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट तो आपको इसका एलएचएल और आरएचएल चेक करना पड़ता, आपको तो पता नहीं है कि इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं, तो मैं चेक करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो मैंने आपको पहले भी समझाया जब तक ना दे रखा हो ऐसा ऑप्शन तब तक चेक करने की जरूरत ही नहीं, लिमिट की एग्जिस्ट कर रहे हैं नहीं कर रही है, और कुछ फंक्शन की आप लोग जानते भी कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी नहीं करेगी। क्वेश्चन करते करते आ जाता है ये क्वेश्चन आपके पास, लिमिट ए की पावर एक्स माइनस एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर एम माइनस ए की पावर ए इक्वल टू माइनस वन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, तो आपको इसमें ए की वैल्यू बतानी है। लिमिट है आपके पास, लिमिट एक्स टेंस टू ए की पावर एक्स माइनस एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर ए की पावर ए इक्वल टू माइनस का वन, तो आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक बार जरा फॉर्म चेक कर लें इसकी क्या बन रहा है, देखो यहाँ पर जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ए पुट करोगे, तो यहाँ पर ए की पावर ए, यहाँ पर माइनस ए की पावर ए कितना हो गया जीरो, ठीक है, नीचे देखो ए की पावर ए माइनस ए की पावर ए जीरो, जीरो अपॉन जीरो फॉर्म बन गई। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, चलो लगाते हैं वाई एल हॉस्पिटल, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप बोर्ड में नहीं बैठे हैं, आपको क्या करना है, एनडी का पेपर देना, आपको ऑप्शन चूज करना है वहाँ पर, हो जाओ जल्दी से लिमिट एक्स टेंस टू ए लगा दो जल्दी से, एल हॉस्पिटल रूल ए की पावर एक्स का डेफिनेशन क्या होता है, ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई एक्स की पावर ए का क्या हुआ, ए इंटू एक्स की पावर ए माइनस वन अपॉन सेम कंडीशन ए की पावर एक्स माइनस ए माइनस वन और ए की पावर ए, तो कॉन्स्टेंट है इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये बचा आपके पास, लिमिट जरा फिर से रख के देखो उसमें क्या बनता है, इक्वल टू जरा आपका माइनस का वन, लिमिट पुट कर देंगे हम उसमें, तो हमारे पास हम ए की पावर ए लॉग ए बेस ई माइनस, ये कितना होने वाला है आपका, ए इंटू ए की पावर ए माइनस वन अपॉन ये हो गया ए इंटू ए की पावर ए माइनस वन इक्वल टू माइनस का वन, ठीक है, सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। देखो इसे आप लिखेंगे ए की पावर ए लॉग ए बेस ई, यहाँ क्या हो जाएगा, ए की पावर जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर बन जाएगा ए की पावर ए, ए के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे गुणा में क्या होती है पावर ऐड हो जाती है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी, इसकी वन इसकी माइनस वन, तो कितना बचेगा ए, नीचे आपका ए पावर ए इक्वल टू माइनस का वन, तो ऊपर से आप ए की पावर ए कॉमन ले लेंगे, इधर बचेगा आपके पास लॉग ए बेस ई माइनस वन अपॉन ए की पावर ए इक्वल टू माइनस का वन, तो ए की पावर से ए की पावर ए कैंसिल, तो ऊपर लिख देता हूँ आपके लिए लॉग ए बेस ई माइनस वन इक्वल टू माइनस का वन, तो माइनस वन से माइनस का वन भी कैंसिल हो गया आपका, ये जो माइनस का वन था, तो आपके पास बचा लॉग ए बेस ई इक्वल टू जीरो। अब लॉग जब आप हटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए इक्वल टू ए की पावर जीरो, लॉग वाले चैप्टर पढ़ाया है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं, वन शॉट लेक्चर है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में उसे। तो किसी की पावर जीरो का मान कितना होता है, ए इक्वल टू वन, कोई भी वैल्यू उसके अगर पावर जीरो कर देते हैं तो उसकी वैल्यू क्या मिलती है, वन मिलती है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ठीक है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ एफ एक्स इक्वल टू नाइन माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू वन एफ एक्स माइनस एफ ओ वन और एक्स माइनस वन, तो पहले जरा पुट तो कर ले उसमें, आपको दे रखा था लिमिट एक्स टेंस टू वन एफ एक्स क्या है आपका अंडर रूट नाइन माइनस एक्स स्क्वायर, यही है ना, अगला एफ ओ वन, तो इसमें जब आप वन पुट करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, वन पुट करते ही जहाँ पर एक्स है वहाँ पर वन पुट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा एफ वन का स्क्वायर वन यानी अंडर रूट एट, जैसे आप लिख सकते हैं टू अंडर रूट एट मिलेगा ना यहाँ से, टू अंडर रूट टू अपॉन एक्स माइनस वन, देखो अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक बार देख लो इसको साइड में, अंडर रूट नाइन माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या रखोगे वन रखोगे, एक्स जगह तो नाइन माइनस वन
कितना हो जाएगा अंडर रूट 8, अंडर रूट 8 को लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं बच्चों, लिमिट देखते हैं आपको x टेंड्स टू 1 पे, तो सॉल्व करना है। चलो करते हैं, पहले फॉर्म चेक करेंगे, फिर से वही तरीका, यहाँ पर 1 रखेंगे, फिर से 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट में से 2 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट 2 जाएगा, कितना मिलेगा आपको 0, नीचे 1 माइनस 1 कितना मिलेगा 0, फॉर्म बन गई 0 अपॉन 0, कौन सा रूल लगेगा एल हॉस्पिटल लगेगा, लगा दो लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या कहता है एल हॉस्पिटल, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का अलग डिफरेंशिएशन करना है, तो उसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो क्या जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो कौन में चला जाएगा, क्योंकि इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। अब आप एक्स स्क्वायर का फिर से करेंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर है तो माइनस का 2x, ठीक है, ये मिलेगा आपको, इसका 0 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 1, इसकी जरूरत ही नहीं है, कौन में कुछ बचाएगी, ठीक है, इतना जवाब लिख सकते हो 1 बचा, ठीक है। अब आपको लिमिट चलिए एक्स टेंड्स टू 1, डायरेक्ट लिमिट उठाओ पुट कर दो, ठीक है, जब आप इसमें लिमिट लगाओ लगा दो 1 अपॉन 2 माइनस का 2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 9 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा, वन सॉल्व करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट 9 माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल, कितना होता है माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 8, और 1 अपॉन अंडर रूट 8 कर सकते हैं 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, कल हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हुआ नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हमारा डेफिनेशन स्टार्ट होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।